मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी बाय अ होल नंबर। ठीक है, हमारा जो मनी का अमाउंट होता है हम उसको किसी भी होल नंबर से किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है राइट द गिवन अमाउंट ऑफ मनी, इन फिगर्स। ठीक है, हमारा जो मनी का अमाउंट है उसको किसमें राइट करना है, हमें सबसे पहले फिगर्स में राइट करना है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, स्टेप 2, मल्टीप्लाई द गिवन अमाउंट बाय द गिवन होल नंबर एज वी मल्टीप्लाई नंबर्स। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, उस तरीके से हमने क्या करना है, हमारा जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करना है किसी भी दिए गए होल नंबर से। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा क्या है, स्टेप 3, पुट इन द प्रोडक्ट, जो हमारा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में आंसर आएगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसका प्रोडक्ट बोलते हैं। इन द प्रोडक्ट पुट द पॉइंट, ठीक है, आफ्टर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट। हमारा जो राइट साइड से सेकेंड डिजिट है उसके बाद में हमने क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। ठीक है, ये हमारे 3 स्टेप्स हो गए जिसको फॉलो करके हम लोग हमारे किसी भी मनी के अमाउंट को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक होल नंबर से। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, आप इन सब जो इन सारे स्टेप्स को क्या अपनी नोटबुक में राइट कर लेना है। ठीक है, और जिस तरीके से जो एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ उन्हीं एग्जाम्पल्स के जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, तो उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में राइट करके और मुझे सेंड करना है वापस। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई रुपीज 18.36 बाय 9। ठीक है, हमने क्या करना है, हमारा जो अमाउंट है 18.36 रुपीज उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हम हमारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमारे अमाउंट को किसमें राइट करना, हमें फिगर्स में, जो कि हमें पहले से किसमें दिया गया है, फिगर्स में दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को हमारे अमाउंट को इसी तरीके से राइट कर लेना है, ₹18.36 कर लिया हमने राइट। अब हमने क्या करना है, हमारे अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है 9 से। ठीक है, हम लोग कहाँ लिखेंगे 9 को, बिल्कुल राइट साइड वाले कॉलम में। ठीक है, यहां से लिखना हमें स्टार्ट करना है, हमने लिख लिया 9 को यहाँ पे। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड स्टेप क्या था,
कि हमारा जो अमाउंट है उसको नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली हम लोग किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है। नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो हम लोग उसमें पॉइंट नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 1836 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, ठीक है, 9 6 54। तो 54 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, और 5 को क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे, ठीक है। 9 3 27 27 एंड 5 होता है 32, ठीक है। 32 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2, ठीक है। और 3 को क्या कर लेना है, फिर से कैरी कर लेना है। 9 8 72, ठीक है। 72 में जब हमने 3 कैरी किया था तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 75 के 5 लिख देंगे, ठीक है। और 7 को क्या कर लेंगे, कैरी। एंड 9 1 9, 9 प्लस 7 होता है 16, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, 16, ठीक है। ये तो हमने नॉर्मली इसको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो यही ऑप्शन हम लोग यहाँ पर राइट कर देंगे, ठीक है। 1 6 5 2 4, ठीक है। कॉलम वाइज हमें क्या करना है, कॉलम्स को मिलाना है, ठीक है। कॉलम मिला के हमने यहाँ पे राइट कर दिया। ये सिर्फ रफली मैंने किया है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, रफ नोटबुक में कहीं पर भी करके देख सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पर राइट कर दिया। अब हमारा जो पॉइंट था, ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि हमारे जो प्रोडक्ट आएंगे इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, 165.24, ठीक है। और रुपीज का हम लोग यहाँ पर साइन लगा देंगे। 2 डिजिट्स को राइट साइड से छोड़ते हुए हमें क्या करना है, पॉइंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमने 4 और 2 को छोड़ दिया, 2 डिजिट्स हो गए हमारे, उसके बाद में हमने क्या लगा देना है, पॉइंट। हैंस द प्रोडक्ट इज ₹165.24, ठीक है। और रुपीज का यहाँ पर साइन लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से हम हमारे किसी भी गिवन अमाउंट को किसी होल नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन जो हमने फिगर्स में देखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, किसी भी अगर क्वेश्चन है हमारे, उसको हमने किस में दिया गया होता है, वर्ड्स में दिया गया होता है, उसको हमने खुद ही समझना होता है कि इसमें क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारी एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड हमारा हो जाएगा ये, इफ वन चॉकलेट बार, इफ वन चॉकलेट बार कॉस्ट 13.75, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 चॉकलेट बार्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि हमारा जो 8 चॉकलेट बार है उसकी कॉस्ट कितनी है, 13.75। तो हमने सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है उसको राइट कर लेना है। सॉल्यूशन फर्स्ट हम लोग लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट बार, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट बार इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारी, ₹13.75, ठीक है। ये हमारे 1 चॉकलेट बार की कॉस्ट है। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 सच चॉकलेट बार। सो कॉस्ट ऑफ
टू चॉकलेट बार्स, पहले हम लोग क्या देखेंगे टू चॉकलेट बार्स, तो टू के लिए हम लोग क्या कर देंगे इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये तो एक की हो गई। दो की हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे टू मल्टीप्लाई बाय 37.5, ठीक है। ऐसे हम लोग थ्री की फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। हेंस कॉस्ट ऑफ एट चॉकलेट बार्स, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अगर वन की इतनी है, टू की टू से मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो इसके लिए हमें एट के लिए क्या करना होगा, हमें एट से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इट मींस हमने यहां पर क्या करना है, एट को 13.75 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हमने हमारे क्वेश्चन को राइट कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन हमें जो सॉल्व करना है उसको क्या करेंगे, कॉलम वाइज राइट करेंगे, ठीक है, जिस तरीके से हमने पहले वाले एग्जांपल में किया था। राइट करो 13.75 किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, और 8 को कहां लिखेंगे हम लोग, राइट साइड में, कौन सी तरफ, राइट साइड में, ठीक है। जो सबसे राइट साइड होती है उस साइड हम लोग क्या लिखते हैं, हमारा जो होल नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 13.75 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, करो इसको मल्टीप्लाई, 8 5 40 40 0, ठीक है। हमने रख दिया 4 क्या कर लेना, हमने कैरी कर लेना है। फिर हम लोग देखेंगे 7 8 56, ठीक है, या 8 7 बोल दो, 8 7 56, 56 एंड 4 हमने क्या किया था, यहां से कैरी किया था, तो 56 प्लस 4 60 के लिए हम लोग यहां पर क्या लगा देंगे, 0, ठीक है। 8 3 24 प्लस 6 कितना हो गया हमारा, 30 के लिए हम लोग क्या लगा देंगे यहां पे, 0, और यहां 3 को क्या कर लेंगे हम लोग, कैरी कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 1 8 प्लस 3 हो गया हमारा 11, तो हम लोग यहां पर क्या राइट कर देंगे, 11, ठीक है। ये हमारा आ गया प्रोडक्ट। अब हमने इसको क्या करना है, कॉलम वाइज राइट करते जाना है, 0 0 0 1 1, ठीक है, ये हमने हमारा प्रोडक्ट यहां पर राइट कर लिया, ठीक है। अब हमने सेकंड स्टेप भी फॉलो कर लिया, अब थर्ड स्टेप फॉलो करने की बारी है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना था, लास्ट के जो राइट साइड से टू डिजिट्स है, ठीक है, उसको हमें छोड़ते हुए क्या लगाना है, एक पॉइंट लगाना है, ठीक है। हमने जो हमारे राइट साइड से दो डिजिट्स है उसको क्या लगाना है, उसके बाद में पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैंस द कॉस्ट ऑफ 8 चॉकलेट बार्स इज, ना आया हमारा आंसर, यहां पर हमें रुपीज वाला साइन भी लगाना है, ठीक है, रुपीज 110, ठीक है। ये हमारा आंसर क्या हो गया, हैज द कॉस्ट ऑफ 8 चॉकलेट बार्स इज रुपीज 110, ठीक है। तो 8 चॉकलेट बार जो है उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी, 110 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से हमने बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना है।